अब होगा असली तांडव, क्योंकि आज तक जनक को जितना सहना था उसने सह लिया, जितना सबके सामने झुकना था वो झुक गई है, अनिरुद्ध के लिए अपने रिश्ते को रोकना था वो रुक गई है, लेकिन अब वो झुकने वाली नहीं है, ना ही रुकने वाली है और ना ही किसी के आगे डरने वाली है, क्योंकि अब जनक ने ठान लिया है, मान लिया है कि वो अब अनिरुद्ध की पत्नी है। और ये बात मैं नहीं बल्कि ये बात खुद जनक ने बोली है। यानी कुल मिला के तमाम हैशटैग रौनक के फैंस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि जनक और अनिरुद्ध एक हो गए। बस उठने की देरी है, तो अनिरुद्ध को अस्पताल से उठने की देरी है और अनिरुद्ध को बाकायदा बाइज्जत के साथ जनक को अपने घर में बहू का दर्जा दिलाने की देरी है। लेकिन इन सभी के पहले जनक ने यह रौद्र रूप आरंभ किया और कहीं ना कहीं इस दुर्गा के अवतार में, मां चंडी के अवतार में जनक ने आज ये बड़ा संदेश दे दिया है कि यदि एक पत्नी को एक पति से मिलने के लिए रोका जाए, यदि एक प्रेम करने वाले को दूसरे प्रेम करने के पास जाने से रोका जाए, तो इस संसार में तांडव जरूर मचेगा, रौद्र रूप के दर्शन जरूर होंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर। जहां पर दोस्तों सबसे बड़ी रिपोर्ट ये है कि भाई अब झनक को कोई नहीं रोक सकता। तमाम बासु परिवार के लोग, बोस परिवार के लोग पहले से ही जनक के खिलाफ अपने दिल में नफरत की दीवार खड़े करके रखे, लेकिन इस दीवार पर आज जनक ने बुलडोजर नहीं बल्कि अपना त्रिशूल चलाया और ऐसा चलाया और ऐसा चलाया कि इनके दीवार के आर पार निकला ये त्रिशूल, इनके दिल के कलेजों को फाड़ कर ये बता रहा है कि अब जनक अनिरुद्ध की है, अनिरुद्ध जनक का है, इनके बीच में कोई ना आए तो उनके लिए बेहतर होगा, वरना जो आना चाहता है वो जनक के इस रौद्र रूप का सामना कर सकता है। यानी कुल मिलाकर दोस्तों आज जब ढाबे में अनिरुद्ध को अस्पताल लेकर जाने की बात कर रहे होते हैं तो वहीं पे जनक भी पहुंचते हैं, जहां पर जनक की शूटिंग भी होने वाली रहती है। और कुदरत का करिश्मा देखिए दोस्तों, जहां पर अर्शी और सृष्टि दोनों अनिरुद्ध को छोड़कर चले गए, वहीं पर हमारा जनक पहुंची और हमारी जनक पहुंचकर सबसे पहले अनिरुद्ध को ये बोलती है कि आप भले ही मेरे से नाराज हो, मैंने आपके साथ गलत किया, आप नाराज होंगे वगैरह वगैरह दुनिया भर की बातें, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ने वाली हूँ, मैं आपको बाकायदा हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी, भले ही आप जाना चाहे ना जाना चाहे। और अनिरुद्ध तो दोस्तों छोटों के इतने समझाने के बाद भी उठ रहा नहीं था, अस्पताल नहीं जा रहा था, लेकिन जब झनक आई तो झनक जबरदस्ती आदित्य कपूर और बाकी स्टाफ वालों के मदद से उठा देती है अनिरुद्ध को और लेकर जाती है तुरंत अस्पताल, जहां पर अस्पताल जाने के बाद कोई सीनियर डॉक्टर रहते नहीं है, जहां पर रहते हैं जूनियर डॉक्टर, तो उनसे भी लड़ पड़ती है हमारी झनक और उनसे भी लड़कर यही बोलती है कि भाई कोई है जो यहाँ पे मुझे सीनियर डॉक्टर रिपोर्ट करेगा और मेरे अनिरुद्ध को जल्दी बचाएगा। मेरे अनिरुद्ध को जो बातें सुनकर ना दोस्तों हमारा आदित्य कपूर पूरी तरह से हिल चुका है, क्योंकि आदित्य कपूर को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या देख रहा है। वो यही झनक को, उसी झनक को देख रहा है जो झनक अस्पताल में अनिरुद्ध को रिजेक्ट कर रही थी। ये वही झनक है जो अस्पताल में अनिरुद्ध को इग्नोर कर रही थी, अनिरुद्ध के साथ प्यार करती हुई ये बातें बताने के बाद भी अनिरुद्ध को वापस अर्शी के साथ जोड़ रही थी, बोल रही थी कि चले जाओ मुंबई से और चले जाओ कोलकाता में जाकर अपनी जिंदगी बसाओ, मैं आपकी क्या लगती हूँ। और आज यही झनक अनिरुद्ध को बोल रही है, सबको बोल रही, मैं आपकी पत्नी हूँ तो मैं आपका इलाज करवा के रहूँगा। यही होता है दोस्तों बुरा समय, यही होता है कि बुरे समय में असली की पहचान हो जाती है, कौन आपके साथ और कौन आपके साथ नहीं। पार्टी करने आपके साथ सारे लोग खड़े होंगे, लेकिन बुरे समय में यदि कोई खड़ा होगा तो वो आपका असली शुभचिंतक होगा। और इसी शुभचिंतक की परिक्रमा को बनाए रखते हुए जनक और अनिरुद्ध दोनों ही दूसरे के गोल गोल घूमे जा रहे हैं। ये धरती और चांद की ऐसी अटूट बंधन बन चुके जहां पर ये दोनों एक दूसरे के बिना दिन और रात को पूरा नहीं कर सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भाई हमारे जनक और अनिरुद्ध को मिलने से रोका जा रहा है। भाई अब तो रोको मत, भाई अब तो मत रोको। ये जो अर्शी और सृष्टि है, ये लोग अनिरुद्ध को उसकी जिंदगी के सबसे बुरे समय में छोड़कर चले गए। इस अर्शी को, इस सृष्टि को, ये मां बेटियों को जरा सा भी तरस नहीं है। ये लोगों को ये लगता है कि अनिरुद्ध नाटक कर रहा, नौटंकी कर रहा, अपने छाती दर्द का बहाना दे रहा ताकि इसके साथ अनिरुद्ध को बाहर ना जाना पड़े, ताकि अनिरुद्ध झनक को छोड़कर ना चल जाए। अरे यार कभी तो इंसानियत दिखा लो यार, कभी तो। अरे माँ बेटियों दोनों, चलो तुम्हें झनक से नफरत है, अनिरुद्ध से तो नफरत नहीं है ना, झनक से प्यार करता है अनिरुद्ध, ये बात तुम्हें पता है, तो क्या है उसके गले पड़े हो भाई बेताल बन के, छोड़ क्यों नहीं देते इस विक्रम को। लेकिन चलो दोस्तों, ये दोनों का आज जो असली रंग दिखा ये भी जरूरी था, क्योंकि बुरा वक्त असली लोगों की नकली लोगों की पहचान कराता है। ये सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध लोगों के, अनिरुद्ध के लिए नहीं है, बल्कि दोस्तों फिलहाल क्या है, देखो अनिरुद्ध को अर्शी और सृष्टि छोड़ के आए थे, ये बात केवल अनिरुद्ध जानता है,
ये बात अर्षि सृष्टि दोनों भी जानते हैं और ये बात छोटन भी जानते हैं। लेकिन जब तक अनिरुद्ध उठकर सारे घर वालों को ये नहीं बताएगा कि अर्षि और सृष्टि को ये नाटक लग रहा था, ये दोनों माँ बेटियाँ मेरे इस दर्द का नौटंकी बना रहे थे, इन लोगों को लग रहा था कि मैं नौटंकी कर रहा हूँ, मुझे हार्ट अटैक नहीं आया, मुझे चेस्ट में पेन नहीं हो रहा, इन लोगों को, और जब अनिरुद्ध उठ के ये पूरी बात बताएगा तो यकीन मानिए दोस्तों, अनिरुद्ध के इसी बर्ताव के कारण वापस झनक उसकी जिंदगी में आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भाई हमारे खास कमेंटेटर या फिर यूके के व्यूवर्स ने ये लिखा था कि कहीं अनिरुद्ध पलट गया तो, भाई ये बात मुझे भी सताता है डर, क्योंकि अनिरुद्ध क्या पता कि पलट गया। अनिरुद्ध को ये लगने लगा कि यदि वो अर्षो सृष्टि के खिलाफ बोला तो उसने बॉन्ड पे साइन किया हुआ है, और बॉन्ड पे साइन करने के मुताबिक यदि वो इन दोनों के खिलाफ पलट गया, यदि उसने झनक को अपना लिया तो झनक के लिए मुसीबतें बढ़ सकती है। यानी इनका जो बलिदान है, इनका जो त्याग है ना, वो इन्हीं के लिए है। लेकिन इन दोनों को समझ में नहीं आता भाई, जब भी झनक अनिरुद्ध से दूर जाती है ना तो वो सोचती है कि अनिरुद्ध के लिए ज़्यादा दिक्कतें ना बढ़े, ताकि अनिरुद्ध जाए और अपनी पत्नी धर्म पत्नी अर्षि के साथ अच्छे से अपना जीवन बिताए। और वहीं पे अनिरुद्ध भी यही सोचता है कि यदि वो झनक के करीब आया तो ये जो अर्षि और सृष्टि है ना, ये माँ बेटी ना झनक का जीना हराम कर देगी, और इसी के लिए भाई अब हमारा जो अनिरुद्ध है ना झनक से शायद फिर से दूरी बना लेगा। लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है, झनक और अनिरुद्ध ने एक दूसरे को पति पत्नी बोल दिया, और अब तो झनक ने सारे लोगों के सामने, अस्पताल में वगैरह वगैरह सबके सामने अनिरुद्ध को अपना पति मान लिया, बोल दिया कि मैं उनकी पत्नी हूँ तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। और यही बात नहीं बल्कि अनिरुद्ध ने भी होश में आते साथ सबसे पहले झनक का नाम लिया, ये बोला कि मेरी पत्नी रो रही है तो उसे बुला दो, झनक रैना को बुला दो, जिसे भाई डॉक्टर आता बाहर और सबके सामने ये नाम लेता है ना तो भाई हमारे अर्षि और माँ बेटियों के होश उड़ जाते। लेकिन इनके होश अभी नहीं उड़ेंगे, अनिरुद्ध को होश आने दो, उसके बाद इनके होश उड़ेंगे, क्योंकि अनिरुद्ध जब आएगा, अनिरुद्ध ये बताएगा कि ये दोनों माँ बेटे को मेरी नौटंकी लग रही थी, मेरा चेस्ट पेन, ये लोग मुझे छोड़कर जा रहे थे, मैं इनके साथ एक विदेश में कैसे जा सकता हूँ, ये लोग वहाँ पे भी मेरे साथ कुछ कर सकते हैं और ये लोग मुझे किसी भी दर्द में छोड़ सकते हैं, शायद मैं मरते भी रहूं तो ये लोग मेरे पे यही लगाएंगे कि ये झनक के लिए मर रहा है, झनक के कारण मर रहा है, झनक के इशारों पे नाच रहा है। यानी कुल मिला के मैं कुछ भी करूं, इनको लगेगा कि उसके पीछे झनक का ही हाथ है, उसके पीछे झनक ही। यानी कुल मिला के अब झनक के लिए अनिरुद्ध खड़ा होना चाहता है तो पूरे डंके की चोट पर। अब कॉन्ट्रैक्ट में शायद कुछ ऐसा लॉस कुछ भी हो, या फिर यूँ कहें कि लूप होल सब में होते, क्या पता कोई ऐसा पॉइंट मिस कर गया हो जिसके बदौलत में अनिरुद्ध और झनक एक हो जाए, क्योंकि झनक ने तो सबको बता दिया कि वो अनिरुद्ध की पत्नी है और इनकी शादी अभी तक स्थगित नहीं हुई है। और कहीं ना कहीं दोस्तों एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि झनक यानी अनिरुद्ध और अर्षि की शादी कहाँ हुई है, उनकी 90% शादी है, इस बारे में भी शायद अब टॉपिक उठ सकता है। यानी कुल मिला के दोस्तों झनक और अनिरुद्ध की जिंदगी में अर्षि और सृष्टि का पत्ता कट चुका है। तो आप ऐसे में आने वाले अनिरुद्ध झनक के इस महातांडव को लेकर, झनक अनिरुद्ध के प्यार को लेकर, इन दोनों के महामिलन को लेकर कितने ज़्यादा एक्साइटेड है कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। दोस्तों मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार, आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े आपके अपने यूट्यूब चैनल यानी टाइम्स ऑफ मीडिया पर जल्द ही आपके अपने पसंदीदा शो झनक जुड़े एक और बड़े अपडेट के साथ होऊंगा छूमंतर प्रकट हाजिर। तब तक आप सभी को टाटा गुड बाय, जय हिंद जय भारत, देखते रहे झनक को स्टार प्लस पर, एनी टाइम डिज़्नी पर, हॉटस्टार पर, पात्र इसके सारे टाइम्स ऑफ मीडिया पर। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।